हाय गाइस, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं मारुति सुजुकी जिम्नी, जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे, जो कि इस गाड़ी को इंडियन ऑटो एक्सपो है 2023 में इसके शो केस किया गया था। तो फाइनली ये शोरूम में अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी गाड़ी के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या इसमें कंपनी फीचर्स को ऑफर करती है, इसका एक्सटीरियर कैसा है, इंटीरियर कैसा है और इसका क्या ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फ्रंट प्रोफाइल आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके ग्रिल के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे कलर में आपको मिलती है और सेंटर में आप देखेंगे तो इसमें क्रोम एलिमेंट दिया गया है, जो कि इस तरह से आपको मिलती है, जो कि इसके लुक को और भी इन्हेंस कर देती है और गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती देखने में। और इसके हेडलाइट की तरफ आए तो इसका जो हेडलाइट आपको यहाँ पर मिलता है राउंड शेप में इसमें दिया गया है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट इसमें दिया गया है, जो अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको मिलती है, बल्ब वाले टर्न इंडिकेटर दिया गया है। और सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे सुजुकी का आपको एक बड़ा सा लोगो यहाँ पे लगा मिलता है। और यहाँ पर एक यूनिक फीचर्स आपको मिलता है, जैसा कि मारुति सुजुकी ने इसमें ऑफर किया है, हेडलाइट वॉशर का आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलता है। तो यह कब वर्क करेगा, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या मड इसमें जमा हो गया, धूल मिट्टी जमा हो गया है इस पर हेडलाइट पर, तो आप इसे हेडलाइट वॉशर से आप इसे वॉश कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो बम्पर आपको मिलती है ब्लैक कलर में दिया गया है। तो यहीं पे बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है 210 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है इस कार में, जैसा कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं उस कंडीशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अच्छा खासा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। और यहाँ पर जिम्नी की बैजिंग मिली है, इसमें आपको जो फॉग लाइट लगी मिलती है, हैलोजन बल्ब के इसमें फॉग लाइट दिया गया है। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल जाती है। सो गाइस, कमेंट करके बताएं कि आपको यह कार इस कलर में कैसी लग रही है, ब्लूइश ब्लैक कलर में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब बात करेंगे इसके व्हील के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो व्हील्स मिलता है, एला व्हील्स आपको जो मिलती है 15 इंचेस का इसमें व्हील्स दिया गया है। और टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको जो टायर लग मिलती है 195/80R 15 इंचेस का इसमें ट्यूबलेस टायर इसमें लगा मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रे कलर का आपको इसमें एलॉय व्हील्स लगी मिलती है, डिस्क ब्रेक दिया गया है और सेंटर में आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है। तो इसका जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। और इसका जो गैपिंग आप देख पा रहे हो, इसमें अच्छा खासा इसमें गैपिंग दिया गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी गाड़ी में आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर में इसमें दिया गया है। डोर हैंडल्स जो आपको मिलता है, जो कि इस गाड़ी कलर है, उसी कलर में आपको इसका डोर हैंडल्स मिल जाता है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। अब आते हैं इसके रियर साइड में। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो रियर प्रोफाइल है, कुछ इस तरीके का निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसका आपको स्पेयर व्हील्स मिलता है इसके रियर डोर पर मिलता है, जैसा कि यह गाड़ी 5 डोर में आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रियर साइड में आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील्स आपको लगा मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर डोर पे जिम्नी की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है। और यहाँ पर रियर विंडशील्ड पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर डिफॉगर स्टॉप लाइट आपके यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर वाइपर्स भी दिया गया है और रियर वाशर भी आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पे जैसा कि यह फोल्ड ड्राइव व्हील है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल ग्रिप की आपके यहाँ पे बैजिंग मिली है। अब यहाँ पे इसके रियर बम्पर में तो आपके यहाँ पर जो टेल लाइट मिलती है, इसमें बल्ब वाला टेल लाइट दिया गया है, टर्न इंडिकेटर भी आप हैलोजन बल्ब के इसमें टर्न इंडिकेटर आपको मिलती है। और जो रियर बम्पर आपको मिलती है इसमें ब्लैक कलर में इसमें ऑफर किया गया है। और जो पार्किंग सेंसर आपको मिलता है, इसमें 4 पार्किंग सेंसर इसमें दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर रियर में कैमरा यहाँ पर माउंट है। तो कुछ इस तरीके से इसका रियर प्रोफाइल निकल के आती है। चलिए बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो रियर डोर आप देखेंगे तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। अब बात करें इसके बूट स्पेस के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो नॉर्मली अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलती है 219 लीटर का इसमें बूट स्पेस दिया गया है। और जैसा कि नॉर्मली आपने गाड़ियों में देखा होगा, यहाँ पे स्पेयर व्हील्स होती है, लेकिन जो इसका स्पेयर व्हील्स है इसके डोर से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर टूल बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर टूल आप रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हेलोजन बल्ब की आपको बूट लाइट मिलती है। तो गाइस, अगर आप इसे सीट को रिक्लाइन करते हैं, आगे की तरफ फोल्ड करते हैं, इस तरीके से आप फोल्ड करते हैं तो इसका जो बूट स्पेस और भी बढ़ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो लगभग आपको जो बढ़ेगा 332 लीटर का इसका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। तो अगर आप सीट को रिक्लाइन करेंगे तो आप बूट स्पेस इसका बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
और इस तरह से इसे लॉक कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 40 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अब बात करें इसके इंटीरियर के बारे में, और गाइस यहाँ पे आप देखें फर्स्ट रो की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्राइवर सेट आपको डोर मिलती है यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल्स इसमें नहीं दिया गया है, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे माउंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो ORVM में उसका कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट वॉशर मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट का यहाँ पे बटन दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स देखने को मिलती है, और यहाँ से फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे सीट को एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और कुशनिंग की बात करें तो इसमें आपको जो सीटिंग लगी मिलती है काफ़ी वेल कुशन्ड इसमें सीट ऑफर करती है मारुति, तो सीटिंग कंफर्ट आपको इसमें काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, जिसको लेकर आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। कुशनिंग आपको वेल कुशन्ड इसमें सीट दिया गया है, तो चाहे फर्स्ट रो की बात हो चाहे सेकंड रो की बात हो, तो कुशनिंग आपको वेल कुशन इसमें सीट ऑफर करती है सुज की। अब चलते हैं इसके अंदर और बताते हैं और भी आपको क्या क्या इसमें फीचर्स मिलता है। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इस गाड़ी के अंदर आ चुका हूं, तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील्स के बारे में। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको स्टीयरिंग व्हील्स जो मिलती है, आपको मैं दिखा दूं इसे ऑन करके, तो ये सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स दिया गया है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, वॉइस कमांड का फीचर इसमें दिया गया है। सेंटर में आप देखेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील्स पे तो आपके यहाँ पे सुजुकी की लोगो मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील्स आपको जो इसमें मिलती है इसकी बात कर ले तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील्स मिलती है, जैसा कि ये जीटा मॉडल है तो इसमें आपको जो स्टीयरिंग व्हील्स मिलती है टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं दिया गया है। वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी स्टीयरिंग व्हील्स मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर में इसमें दिया गया है, और सारे कंट्रोल्स मिलती है। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको बीच में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको दो एनालॉग मीटर इसमें दिया गया है जो काफ़ी यूनिक लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिलता है आरपीएम मीटर के लिए, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर इसमें दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसमें मीटर कंसोल आपको मिली है। यहाँ पर ये जो पैनल आपको मिलता है ब्लैक कलर में दिया गया है, पियानो ब्लैक कलर में आपको मिलती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है देखने में। इसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है कुछ इस तरीके का आपको मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिले हैं, होम पर आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे रेंज आपको कितना मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिससे आप कोई यहाँ पर अपने रिकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूजिक के कंट्रोल्स आपको मिलती है, यहाँ पर जैसा कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर मिलता है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इस तरीके का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलती है जो काफ़ी प्यारी लगती है देखने में, ब्लैकआउट इसमें दिया गया है। नीचे साइड में देखें तो यहाँ पे हजार लाइट का आपको स्विच मिलता है, यहाँ पे एसी की कंट्रोल मिलती है, बीच में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मीटर मिलती है जिसमें आप एसी के कंट्रोल्स को दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फैन की स्पीड को बढ़ा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंडिकेशन मिल जाता है, मोड को ऑन कर सकते हैं, मोड को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो डोर है वहाँ पे कंट्रोल्स कर सकते हैं, विंडो के कंट्रोल्स मिलता है। यहाँ पे जो राइट साइड का विंडो है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि यह मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बार आपको लगे मिलती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 2 व्हील ड्राइव और 4 ड्राइव ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जिस मोड में आप ड्राइव करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप 2 व्हील मोड में आप ड्राइव करना चाहते हैं तो ब्रेक को प्रेस करके इसे आप प्रेस करेंगे तो आप इसे 2 व्हील ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका जो अगर आप इसे यहां पे चेंज करेंगे तो इसके मीटर कंसोल में आपको इसका इंडिकेशन मिल जाएगा कि 2 व्हील ड्राइव में गाड़ी चल रही है या 4 व्हील ड्राइव में चल रही है, तो उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले मीटर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक, यहाँ पर आपको रियर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर सेंटर में दिया गया है, यहाँ पर लॉक कर सकते हैं जो रियर विंडो है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिया गया है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, कुछ इस तरीके का इसमें ग्लव बॉक्स दिया गया है। स्टोरेज भी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है, अगर आप ऑफरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। जैसा कि इस कार में आपको 6 एयरबैग कंपनी ऑफर करती है। IRVM आपको इसमें सिंपल मिलती है, मैनुअली इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है जो कि हैलोजन लाइट, यहाँ पर लाइट दिया गया है, यहाँ पर वारंटी मिरर, और यहाँ पे सनवाइजर कुछ इस तरीके का दिया गया है। तो गाइस आपको इसका इंटीरियर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अब सेकेंड रो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको इसका नी रूम कैसा मिलता है, हेड रूम कैसा मिलता है, और सिटिंग कंफर्ट कैसे मिलती है। सो गाइस मैं अभी सेकेंड रो में आ चुका हूँ, तो इसके सिटिंग कम्फर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है वेल कुशन, इसमें सीट दिया गया है, थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। अब बात करें इसके लेग स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें इनफ आपको लेग स्पेस मिल जाती है। जैसा कि मेरी हाइट 5'6" है तो मुझे इसमें लेग रूम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। हाइट अगर आपकी 6 फीट है तो आपको यहाँ पे हेड रूम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इस गाड़ी में यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब की यहाँ पे लाइट दिया गया है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिलता है जो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट दिया गया है और इसमें आपको कोई आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिसिंग लगा, यहाँ पर रियर एसी वेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, न तो आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो इसे कंपनी को देना चाहिए था। और गाइस इसके रियर डोर हैंडल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर डोर ओपन कर सकते हैं जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और यहाँ पर आप विंडो पे अप डाउन कर सकते हैं, तो विंडो का कंट्रोल आपको मिलता है। यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, तो कुछ इस तरीके का है इसका सेकेंड रो। ओवरऑल बात करें तो इसमें आपको जो सिटिंग कंफर्ट मिलती है, अच्छी खासी इसमें सिटिंग कंफर्ट मिल जाती है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको जो लेग स्पेस मिलता है अच्छा खासा मिल जाता है। और थोड़ा सा आपको इसमें हेडरूम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अगर आपकी हाइट थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो तो उसमें आपको हेडरूम में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो मैंने इसे ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से मैं इसे ओपन कर दिया, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इसमें आपको इंजन लगी मिलती है 1462 सीसी का आपको इसमें इंजन लगी मिलती है जो कि मैक्स पावर जनरेट करती है। 104.8 पीएस की आपको पावर मिलती है। और मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसका जो इंजन है मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 134.2 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाता है, जो काफ़ी पावरफुल आपको इसमें इंजन इस कार में लगी मिलती है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसके हुड पे तो आपको कोई इसमें हीट इंसुलेशन की इसमें कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं किया गया है। तो कुछ इस तरीके का है इसका इंजन प्रोफाइल। अब बात करें इसके डायमेंशन के बारे में, तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ आपको मिलता है 3985 mm का इसका लेंथ दिया है। और विड्थ की बात करें तो इसका जो विड्थ आपको मिलता है 1645 mm का विड्थ दिया है। और इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 2590 mm का व्हील बेस दिया गया है। और इसकी हाइट की बात करें तो इसमें 1720 mm का ओवरऑल हाइट दिया है। सो गाइस अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस कार का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 16 से 17 लाख के बीच में यह कार अवेलेबल हो जाएगी, मारुति सुजुकी जिम्नी जो जीटा मॉडल है। सो गाइस ये रहा मारुति सुजुकी जिम्नी 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इसका एक्सटीरियर कैसा है, इंटीरियर कैसा है, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलता है, कितनी इसकी प्राइसिंग होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी यह कार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कार के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।